यूथ कांग्रेस का ये ऑफिस है दिल्ली के अंदर। आज के डेट में जो मौसम का हाल है तो बता नहीं सकते, उस मौसम के अतबार से भी आज चुनाव के मौसम को मिला के देखें तो बहुत ही शोरगुल है, बहुत ही गहमा गहमी है आज के डेट में दिल्ली के अंदर। मैं आज जहाँ बैठा हूँ तो यूथ के नाम से जाना जाता है दिल्ली का कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ में तौफीक आलम साहब हैं जो एक यूथ खुद भी हैं और बताते इस यूथ कांग्रेस के अंदर एक प्रभारी भी हैं। और मैं उनसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर आपने जो दावेदारी पेश की है कटिहार लोकसभा के लिए तो इसमें कितनी आपको उम्मीद जाग रही है आपके लिए, जैसे बताइए। देखिए अभी जो महागठबंधन के हमारे आदरणीय नेतागण हैं उनके बीच बिहार में 40 सीट को लेकर गठबंधन को फाइनल करने के लिए वार्ता का दौर जारी है और वो बिल्कुल हो गया है। हमारे सारे गठबंधन के लोग आपस में बातें हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक फाइनल नहीं होता हम लोग कुछ बता नहीं सकते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कटिहार की सीट हमारी कांग्रेस को आएगी। और कांग्रेस के आने पर हमने आवेदन दिया है, हमने आदरणीय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष को, हमारे प्रभारी को, साथ ही साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हमने आवेदन दे करके अपना जनाया है कि मैं कटिहार से लड़ना चाहता हूँ। तो हमारे इसको लेके अभी मंथन जारी है, चूंकि अभी सीट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और महागठबंधन में और भी जो हमारे नेता है बातें चल रही है, हमें लगता है आज शाम तक या कल तक सीट डिक्लेरेशन होता है, इसके बाद आगे की बातें होगी। और मैंने आवेदन दिया है, बड़ी मजबूती से दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल में खासकर कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये जो इलाका है इस इलाके में वोटिंग परसेंटेज भी आप देखिएगा तो अच्छी होती है। और एक यूथ को मेरा मानना है कि इन तमाम जिले में एक जगह अगर यूथ को दिया जाए टिकट तो उससे क्या होगा कि वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़े। इस बार वैसे भी बड़ी संख्या में पहली मरतबा वोट करने वाले देश भर में नौजवान हैं और यूथ को टिकट मिलने से एक लोगों में जुनून, जज्बा सब ठीक है। एक मसला ये खड़ा होता है कि एक तरफ कटिहार की उम्मीदवारी लोकसभा में तारिक साहब खड़े हैं, सब दरवाजे पे खड़े हैं, आप भी अपनी उम्मीदवारी पेश करना चाह रहे हैं तो सर इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता है तो होगा कि मतलब वोटिंग में कुछ ध्रुवीकरण हो जाए या तो आपको मिले या उसको मिले, कैसा ना हो कि कुछ मामला गड़बड़ हो जाए बीच में। कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी अपने आप में जानती है इंटरनल हमारा डेमोक्रेसी है और सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी दावेदारी पेश करने का। तारिक साहब एक सम्मानित लीडर है, अभी हमारी पार्टी में 19 साल के बाद दोबारा लौटे हैं। और लेकिन जो वहाँ का दुख दर्द है, वहाँ की जो समस्याएं है, वहाँ का जो प्रॉब्लम्स है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि उस इलाके में जो पुराना डिमांड है लोगों का वहाँ, खासकर कांग्रेस को लोकल, कि हमारे यहाँ से हमारे बीच होना चाहिए, ये भी एक मामला है। उसको लेके मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। और भी लोग, तारिक साहब हैं और भी हमारे सम्मानित लीडर हैं, वो भी हो सकता है दावेदारी करें। आला कमान का जो फैसला होगा हम लोग उसको मानेंगे यकीन। लेकिन जो आपने बात की कि एक बंदा दरवाजे पे खड़ा है टिकट के लिए, यकीनन बड़े लीडर हैं, लेकिन जब तक आप अपनी बात रखेंगे नहीं वहाँ की समस्याओं को लेके, वहाँ के लोकल इश्यूज को लेके, लोकल की जो राय आ रही है उनको लेके, एक सर्वे अनुसार जो बातें चल रही है उसको लेके, तब तक आपकी बात वहाँ की जो लोकल जो समस्याएं है उसको लेके कैसे पार्टी के अंदर भी बात होनी चाहिए, पार्टी के बाहर भी बात होनी चाहिए। हम लोग पार्टी के अंदर लगातार जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी बात रखते हैं और रखेंगे आने वाले दिनों में। तो वहां पे बेसिकली एक यूथ कांग्रेस से अपनी मांग है कि यूथ से मिले एक टिकट ताकि पूरे सीमांचल में वोटिंग भी अच्छा हो और एक कोटा कह सकते हैं कि हमारा जो एक लंबे अरसे से चल रहा है कि वो लोकल कांग्रेसी का वहाँ सीट दिया जाए वो भी पूरा हो, हमने अपनी बात रखी। अच्छा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे सर्वे किया है कटिहार डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि आपने अगर सर्वे नहीं किया होता तो इतनी परेशानी जो दिक्कतें लोगों की है आपको एहसास नहीं होता, ऐसा कुछ सर्वे किया आपने वहाँ पे? नहीं देखिए, सर्वे क्या लोगों के बीच जाने से लोगों की समस्याएं और उसको पता चलता है। सर्वे मैं खुद कटिहार से हूँ, पिछले बार महागठबंधन से हमें चुनाव भी लड़ने का मौका मिला, अलग बात है कुछ वोट से रह गया, जिला परिषद में हूँ बर वक्त और चेयरमैन भी लड़ा था, एक बोर्ड से रह गया था और अभी पार्टी ने हमें नेशनल सेक्रेटरी के तौर पे
हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और उसके अलावा पार्टी के लिए काम के साथ साथ इलाके को लेके बहुत मैं लगातार जब मैं दौरे पर रहता हूँ तो हर जगह जाता हूँ, लोगों की समस्या सुनता हूँ, बातें करता हूँ लोगों से, तो लोगों का जो फीडबैक है वो हम लोगों को मिलता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया का दौर है, आप देख रहे हैं, और सोशल मीडिया के अलावा लोग अपनी बातें कह रहे हैं वहाँ पे, गाँव पे, चौक चौराहे पे, इलाके कस्बा, एक जो लंबा एरिया है, बाढ़ का सीजन हो चाहे अभी समझिए कि जो अभी कई बार जब आग वहां लगती है तो गांव का गांव जल जाता है, तो बहुत सारी वहां समस्याएं हैं, उसको लेकर हम लोग लगातार उठाते आए हैं। तो जो सर्वे की जो बात आपने की, कोई वैसा सर्वे हमारे पास तो नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास कोई, लेकिन लोगों की जो जुबान से बातें आ रही है चल के सोशल मीडिया में, आप देखिए चाहे आम पब्लिक से आप बात कीजिए, तो वहां से लोगों को लगेगा कि एक वहाँ पे बदलाव की जरूरत है लीडरशिप में, या फिर ये लगेगा आपको कि एक यूथ चाहिए, ऐसा हमें महसूस हुआ उन तमाम चीजों को देखते हुए। देखिए हर कैंडिडेट कहता है कि हम जीतेंगे तो उस एरिया को मैं डेवलप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हर बंदा अपनी जबान से बोलता है लिखित में जैसे भी हो, लेकिन आप बताइए आपसे आप पर भरोसा करने वाला कैसे कर ले, किस तरह आप पर भरोसा करें कि आपको अगर ऐसा टिकट मिलता है, आप जीतते हैं, तो आप वाकई में वहाँ के समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं लंबे समय तक जेएनयू में रहा, बीएएम एमफिल तक मैंने वहाँ किया, और जेएनयू में रहते हुए स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में मैंने काम भी किया, चुनाव भी लड़ने का मौका मिला, और बहुत से चीज़ों को हमने जाना, और वहाँ जो एक्टिविटीज होती हैं उससे भी बहुत सारी जो मार्जिनलाइज सेक्शन है और जो बैकवर्ड लोग हैं, जो जिनको अभी तक सरकार जो अंतिम पायदान के लोग हैं वहां तक पहुंच नहीं पाता, उनको लेके भी डिबेट चलता है, और हम लोग कुछ चीज देखे हैं कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये सब जो इलाका है वहां अभी सब कुछ करना बाकी है। मैं कहूँगा अभी समझिए कि आपको कोई इंडस्ट्री नहीं है, जूट मिल वहाँ है वो भी देखिए बंद पड़ा है, वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। एक आपके पास वो एक जज्बा होना चाहिए, काम करने का जुनून होना चाहिए, पूरा का पूरा आप देख लीजिए बारसोई का जो अनुमंडल आप देख लीजिए, उस इलाके में, इलाके के आप जो कठे दिल्ली में हैं, अभी दिल्ली में आप रिक्शा पूरा जाइए चाहे होटल में जाइए, हर जगह काम करने वाले हमारे इलाके के लोग हैं, क्या वजह है कि उनको ये काम करना पड़ रहा, वहां पर क्यों नहीं उनके लिए रोजगार के साधन उपाय हो सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, खास करके रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और मैं कहूँगा खासकर किसानों की समस्याओं को लेके, ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों को लेके सिर्फ बोलना ही नहीं है, मतलब काम करके दिखाना, और मेरे पास है, मैं ये कहूँगा मैं राष्ट्रीय सचिव होने के नाते अलग अलग स्टेट में काम करने का मौका मिला, खास करके बंगाल और तो हरियाणा के इंचार्ज था, काफी अच्छा अनुभव रहा किसान को लेके, जो वहाँ मामला है और किस तरह किसानों के जो उनके जो अनाज है वो किस तरह से खेत से ही सरकार अपने खरीदते हैं, तो उसको लेके जो समस्या है उसको जब तक उजागर नहीं कीजिएगा, बात नहीं रखिएगा, विजन नहीं दीजिएगा तो होगा नहीं। तो हमें लगता है उस इलाके में हमें जहाँ एक तरफ युवाओं के रोजगार के लिए एक बड़ा सा कदम उठाने की जरूरत है, इंडस्ट्रीज खुलाने की जरूरत है, कल कारखाने खुलने की जरूरत है, साथ ही साथ किसान की समस्याओं को हल करना है, यूनिवर्सिटी बने उस इलाके में, इस कटिहार में, उसको लेकर आंदोलन करना है, तो ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो बुनियाद। उसके अलावा आप जो रोड बनना है, पुल बनना है, बड़े बड़े आपका और बैरेज बनना है, ये तो करना ही पड़ेगा, एमपी होने आप चुने जाते हैं तो करना ही होता है, लेकिन ये जो आपको एक विजन देना है हमारे जनरेशन के लिए, हमें लगता है इसको लेके एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, संजीदगी के साथ हमें गौर करना है, लोगों के बीच जाके बात करके, और फिर और भी जो विजन है। अच्छा, अभी से 27 फरवरी को आजम नगर के अंदर एक बहुत बड़ा रैली किया गया, उसका संचालक था फैसल इंजीनियर साहब, मुद्दा यह था कि आजम नगर के अंदर पुल नहीं होने की वजह से 40 पंचायत के लोग प्रभावित होते हैं, दिक्कतें होती, परेशानी होती है, शायद आप तक भी ये बात आई होगी, तो इसके लिए आपके दिमाग में कुछ टारगेट है, कुछ हो सकता करेंगे आप बाद में कुछ? देखिए सिर्फ एक ही मामला नहीं है, लगातार धरना प्रदर्शन और अपनी जायज मांगों को लेके लोग आवाज उठा रहे हैं, हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं, हम लोग भी उठाते हैं जब हमारा पार्टी का बैनर तले होता है, या वैसे भी आम जनता की जो मांग होती है उसको लेके हम लोग भी अपनी बात रखते हैं, और जो जायज मांग उसको लेके हम लोग लगातार मुद्दा रहे हैं, और खास करके जो वो जो पुल बनने की बात है जो आजम नगर का जो पुल है, तो वो एक जायज डिमांड है, और
मैंने पिछले विधानसभा के चुनाव में मैंने ये बात रखी थी लोगों के बीच के, हम लोग सरकार आए और हमें जीत मिले तो मैं इसको लेकर पुरजोर आवाज उठाऊंगा। वो जो आपका ये है बांध को कहते हैं कि बांध में चौड़ीकरण